इसका हमें लंबे समय से इंतजार था। हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं निवेदन करूंगी न्यूज 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी और रीजनल हेड सेल्स हर्षवर्धन द्विवेदी जी आप मंच पर आए और हमारे माननीय अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का। अब न्यूज 18 बिहार झारखंड एजुकेशन कॉन्क्लेव में अब वक्त हो गया है बिहार सरकार के शिक्षा नीति और उत्तम व्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा का। इसके लिए मैं न्यूज 18 बिहार के एडिटर ब्रजमोहन सिंह से आग्रह करूंगी कि आप मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ सार्थक चिंतन करें। ब्रजमोहन सर, ओवर टू यू। सबसे पहले श्री विजय चौधरी जी का स्वागत करता हूँ न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम में। बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाल के आए, क्योंकि लगातार जो चुनौतियां हैं देश में और राज्य में उसको फेस करने की जिम्मेदारी रहती है, तो आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिहार का एक गौरवमय इतिहास रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग सिरमौर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम शुरुआत करते हैं पिछले 15 साल की जो विकास यात्रा रही है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की, उसके आप साक्षी रहे, आप साथ साथ चलते रहे नीतीश कुमार जी के साथ में। एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है कि शिक्षा का एक माहौल बना है बिहार में, गांव गांव में शिक्षा की जो अलग है वो नीतीश कुमार ने पहुंचाई है। इसमें निश्चित तौर पे सरकारी जो सेक्टर है उसकी बड़ी भूमिका है, उसके साथ साथ जो निजी क्षेत्र के लोग जुड़े हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो शुरुआत करते हैं कि संविधान में जो एक नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो शुरुआती शिक्षा है उसको किस तरह से हम बेहतर बनाएं। 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, जहां से नींव पड़ती है शिक्षा की, तो उसको लेकर नीतीश कुमार सरकार ने क्या क्या अभी तक महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो उसके बारे में आप कुछ बताते। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके न्यूज 18 को भी धन्यवाद देता हूँ, चूंकि एक बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को चुनकर जी आपने एक ऐसी पहल की है जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके जी आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और किसी समाज के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करना ही उस समाज के या उस प्रदेश के या राष्ट्र के लिए विकास की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन आपने जो कहा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जी, जो क्या मतलब हम लोगों के सरकार ने क्या परिवर्तन लाया है जी, ये 2-4 चीजों से ही बातें मतलब स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो पहली चीज जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, वो होता है शिक्षा का सार्वजनिकरण या शिक्षा का समावेशी विकास। अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है जी, तो सिर्फ शिक्षा पढ़ने तक सीमित रह जाए या कुछ शहरों तक अगर केंद्रित रह गई शिक्षा का विकास की नीतियाँ, तो वो तो समझिए एक तरह से हम लोग शिक्षा का टापू बना देंगे, आइलैंड ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर शिक्षा का समावेशी इंक्लूसिव की डेवलपमेंट करना है या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, तो उसके लिए तो हमको उन दूर देहात के गांवों को भी दृष्टिपथ में रखना होता है जहां पर शिक्षा की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंचती है, और हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसी क्षेत्र में है कि आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जब सरकार यहाँ बनी थी आई थी, तो उस समय जो स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या थी लगभग 12% से अधिक थी जो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, चाहे गरीबी से हो चाहे पारिवारिक सामाजिक मजबूरी के कारण हो, वो 12.5% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे। लेकिन आज मुझको बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को
कि आज वो प्रतिशत 1% से भी नीचे आ गई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों संयोग से कोविड ने तो सबसे अधिक किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है जी, मतलब बूढ़े स्कूली रहा यस कुप्रभावित करना जो करते हैं तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही है। और हम लोग ये घोषणा करने वाले थे कि अब कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा आज स्कूल से बाहर नहीं छूट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जिसमें हमारे शिक्षक जनप्रतिनिधिगण सबका हमने कार्यक्रम बनाया था कि पूरे गांव में डोर टू डोर जाके जो कोई स्कूल जाने की उम्र का बच्चा घर में नहीं रहे सब स्कूल जाए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। ठीक उसी समय कोविड आ गया, 2 साल से तो आप सब लोग देख रहे हैं। और खास तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए लगभग 70,000 विद्यालय आज काम कर रहे हैं। पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो 65-70 के बीच में हुआ करता था, आज हम लोग 45-47 के बीच में आ गए हैं। इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर लालिमा रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते, प्रेरित करके उनकी नियुक्तियां की हैं। इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था वो भी बहुत घट के पहले करीब 70 से ऊपर था, 40-45 आ गया, जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं। एक चीज हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं है, कोई हम अपने जितना हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, जो हम लोगों ने अचीव किया है, ये हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते, हमें अभी और भी आगे जाना है। लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है, तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे और खास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है। ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी। हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे हैं कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी 1-8 की हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 8 से लेकर 11 तक की हो, 12 तक की हो, हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक पिछले ही महीने हमने 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की और अभी अगले
फेज में हम लोग लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। और जो अभी हम आर के सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की है, उसमें हर पंचायत में एक प्लस टू विद्यालय खोलने की, सही बात है, उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा। हम लोगों ने 5000 से अधिक मध्य विद्यालयों को, जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया है। जी जी जी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है, हम लोग जो माध्यमिक है उसको उच्च माध्यमिक यानी प्लस टू जी। और अभी पिछले महीने 17 तारीख को हम 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले थे। पता नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोगों न्यायिक हस्तक्षेप जो हो जाता है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो होता है, उसके कारण हमारे हाथ बंध जाते हैं। हम लोगों ने तो ये नियुक्तियां जो अभी 42,000 हमने किए और 1 लाख करने वाले हैं, वो भी रुकी हुई थी, न्यायालय में मामला पेंडिंग था। हम लोगों ने प्रोएक्टिवली विभाग की तरफ से लगातार कोर्ट से अनुरोध करते हुए, हमने तो लास्ट में यहाँ तक कहा कि भाई आप जिनको कहिए जैसे कहिए नियुक्तियाँ करने के लिए हम तैयार हैं, हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए, आप जो फॉर्मूला बना दीजिए, जो क्राइटेरिया बना दीजिए, जो प्रोसीजर तय कर दीजिए। लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है, हमने कहा कि आप कहिए तो उतना पद हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं, बाकी पदों पर करने दीजिए। बहुत आरजू मिन्नत के बाद न्यायालय ने इजाज़त दी, तो अभी 42,000 किया है। सब लोगों की इच्छा रहती है विजय चौधरी जी कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले, जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, उससे मुकाबला हम कैसे करें, उसके लिए क्या रोड मैप है सरकार के सामने? देखिए, हमको तो हमने शुरू में ही कहा कि हम बहुत आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमें अभी बहुत दूर चलना है, खास तौर से जो हायर एजुकेशन है। अभी आर के सिंह जी भी कह रहे